इसे कभी डर लगा आदि हो यहाँ से मन कंट्रोल है, फिर यह हृदय केंद्र इसको हमसे अध्यात्म में अनाहत केंद्र है, ये वाणी जो है विशुद्धि केंद्र वाणी केंद्र है, और फिर यहाँ है आज्ञा केंद्र, और बुद्ध का जो भाव देते थे तो उनको रोका हुआ इसको सहसा। हाँ ये ब्रह्म केंद्र है, इसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, स्वयं को भी जान लिया, सर्व को भी जान लिया, और ये व्यक्तित्व के ऊंचाई पे चले गए तो उसको बोलते सहसा। तो ये ध्यान के द्वारा हम क्या करते हैं, ये केंद्र जागृत करते हैं, और छठवा और सातवा ये जो ये आज्ञा केंद्र है, ये सारे केंद्र हमारे कैसे है अचेतन अनकॉन्शियस हमको पता नहीं, हमको हम दूसरे को देखते स्व को नहीं देखते, तो स्व को कैसे देख रहा है, स्व को एक्टिवेट कैसे करना, स्व को जीवंत कैसे करना, जागृत कैसे करना, तो एक एक केंद्र को जागृत करना है। तो जैसे मूलाधार को देखोगे तो वो जैसे ध्यान गया वहाँ ज्ञान होगा तो वो केंद्र जागृत होगा, तो तुमको पूरे सीट का अनुभव होगा, पैरों का अनुभव होगा। तुम कोठे को देखोगे तो यहाँ जितनी भी चीजें आगे से लेके पीछे तक उसका अनुभव होगा, पेट को देखोगे तो सारे अवयव तुमको भीतर से दिखेंगे, छाती को देखेंगे तो हृदय कैसा है, फेफड़े कैसे है, और ये देखोगे तो मेरे शब्द कैसे, विचार कैसे, वाणी कैसे, और फिर ये देखोगे तो पूरा चेहरा दिखेगा, पलके कैसे, चेहरा तनाव ग्रस्त है कि विश्राम पूर्ण है, फिर ओठ दिखेंगे, दांत, जीवा, कान, पूरा पूरा अनुभव होगा। तो ये सारी चीज़ देखना, तो हमारे सारे केंद्र अचेतन है, तो ध्यान से हमको क्या करना है, स्व को देखना है, स्व को अनुभव करना है, स्व को जीवंत करना है। तो कैसे जीवंत करना है, इसकी मेथड है, बुद्ध ने बोला अत दीप भव, स्व को प्रकाशित करो, सुना ना सुनते स्व करो, कैसे करना प्रकाशित, आँख खोलते प्रकाश बाहर चले जाता, दूसरा दिखता, तो ये प्रकाश आँख बंद करके यहाँ केंद्रित करना, यहाँ केंद्रित करना,